ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी के प्रत्याशी कल्याण सिंह कंसाना अपने प्रचार में रात दिन जुटे हुए हैं। सोमवार को कंसाना अपने समर्थकों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर गए और आमजनों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जहां आप चाहेंगे जब चाहेंगे मैं आपके सेवक के रूप में हाजिर हो जाऊंगा। आपने अभी तक बड़े बड़े नेताओं को अवसर दिया है, एक बार मुझे मौका दें, मैं सदैव जन सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। देश में आज जो हालात हैं उस हिसाब से देश को बेहतर शासन बसपा दे सकती है। सभी का हित और अधिकारियों की रक्षा बसपा कर सकती है। कौली लोकसभा के विधानसभा ग्वालियर ग्रामीण के ग्राम जनारपुरा, सोनी, बिजोली आदि में ग्रामों में जनसंपर्क किया। इस मौके पर अनेक ग्रामीण लोग मौजूद रहे। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने इस अवसर पर बसपा प्रत्याशी कल्याण सिंह खजाना से बात भी की। हमेशा बादशाह कहला हूँ मैं, आज बहुजन समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ, आप मेरा साथ दो, मैं आपको हमेशा साथ दूंगा। रात के 12 बजे भी मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। किसी भी गंदा माफिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें वो ताकत दी है, वो संविधान दिया है कि इन गुंडों के इलाज अच्छी तरह से बगल के थानों में पुलिसों में होते रहे और हमेशा होते रहेंगे। जो मैं आपसे कहने वाला करके जा रहा हूँ, क्या औकात है आपको दिलाएंगे, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा, मुझ पर भरोसा करना। मैं आपने मुझे गले लगाया, बहुजन समाज के बड़े सभी नेता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे मतदाता में, तो मैं भी आपको भरोसा देता हूं कि आपके साथ में मैं लंबी पारी खेलने आया हूं। बिल्कुल जवाब दूंगा मैं, समय आने दो, अभी भी जवाब दूंगा। क्या भारत कुशला से भी डरने की जरूरत नहीं है? अरे ये थे तब मंत्री थे, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो ये बगर जहर के सांप है, ये घूमते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो सभा सत्ता का दुरुपयोग करके बहुत से लोगों ने दबाया धमका हुआ, मैं आज मंच से चैलेंज करता हूँ कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता, किसी मतदाता पे उंगली उठा के देख लेना, फिर आपको मैं बता दूंगा कि संविधान में ताकत क्या है और मुझ में ताकत क्या है। क्योंकि मैं एक शुद्ध घर से आता हूँ, मेरी पृष्ठभूमि ऐसी है कि मैं अमर गलत बातें या जाति बात में विश्वास रखता, मैं इंसान से इंसान में कभी भेद नहीं करता। अरे जो लोग तो इतनी नफरतें करते हैं आप लोगों से, कभी उनके पास बैठ के देखना, ये आप लोगों के बारे में अच्छा कभी जीवन में नहीं बोल सकते। इस समय की बात है, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा चुनाव में जो लोग रचते हैं, कभी कोई लंगड़ा के चलता है, कहीं कोई कुछ करता है, झूठे ढोंगियों जनता के सामने सीधे आ जाओ मैदान में, जनता समझ चुकी है। राजकुमार शर्मा, आप देख रहे हैं खबर अड़ताली। इस समय एक बार फिर हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के मार्ग में मौजूद हैं और आपको बताते चले कि कल्याण सिंह कंसाना को बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का प्रत्याशी ग्वालियर में बनाया गया है और कल्याण सिंह कंसाना के लोकसभा का प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बनाए जाने के बाद ये आपको बता दें कि यहाँ पर चुनाव मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में त्रिकोणीय हो गया है। अब देखना यह है कि ऊंट किस पर करवट बैठता है। हमारे साथ कल्याण सिंह कंसाना जी मौजूद है जो कि आज अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गेट टूगेदर जनता से या ये कहे के वोटर से कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह का चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी चेतातुल्य सम्मानित मतदाता बंधुओं को। जैसे आप अभी आपने कहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, अब जहाँ ऊँट घोड़े की बात नहीं, जहाँ हाथी दौड़ पड़ा है और हाथी बिल्कुल खड़ा है और चल पड़ा दिल्ली की, हाथी अकेला चल रहा है और अपनी मंजिल पर पहुँचेगा। ये आपके चैनल से मैं सबको भरोसा देता हूँ मतदाता को कि आप मेरा साथ दो, मुझे चुने, मेरी छवि को देखें, मुझे देखें, उसके बाद आप निर्णय करें। बाकी दो प्रत्याशियों के बारे में भी पता कर लें और मेरे बारे में भी पता कर लें। कल्याण भैया हुजूम नहीं, ये अपनों का प्यार मिल रहा है, मुझे इतना प्यार मिल रहा है, वो खुद सब लोग गली गली में कह रहे हैं कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो जनता के दिलों को छू रहा है। क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस क्षेत्र का नहीं, पूरी लोकसभा क्षेत्र का बेटा हूँ। मैं वो एक विधानसभा के बेटा बने फिर रहे, मैं 8 विधानसभा का बेटा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ले रहा हूँ और मेरा किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, पहले नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह है और पहले नंबर पे अभी तक मैं हूँ और ईश्वर की कृपा रहेगी तो जिस दिन वोट डालेंगे 7 को उस दिन तक पहले नंबर पे ही रहूँगा और परिणाम आएगा 4 को उस दिन पहले नंबर पे परिणाम आएगा। कल्याण भैया, कल्याण भैया, कल्याण भैया।
कल्याण सिंह कंसाना जी, जो कि आपको बताते चले, ग्वालियर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है और ये चुनाव ग्वालियर में त्रिकोणीय हो गया है कल्याण सिंह कंसाना जी के बसपा से टिकट मिलने के बाद। अब देखना ये है कि चुनाव कौन जीतता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। टीवी न्यूज खबर अर्पण के लिए ग्वालियर से मैं राजकुमार शर्मा।